द लायन एंड द विंड, एक लायन एयर हवा, सिंह और हवा। देयर वॉज वंस अ वेरी स्पेशल लायन कॉल्ड सिम्बा हु लिव्ड ऑन द अफ्रीकन सिवाना, सवाना मतलब जंगल, फॉरेस्ट। यहाँ पर डिफरेंट वर्ड यूज़ किया है लेकिन हमें समझ जाना है वो क्या है, फॉरेस्ट। तो बहुत टाइम पहले कौन रहता था, एक स्पेशल लायन था और उनका नाम क्या था, सिम्बा। वो अफ्रीकन फॉरेस्ट में रहता था। सिम्बा वुड प्ले इन द प्लेन्स रनिंग एंड जंपिंग विथ हिज फ्रेंड्स द लेपर्ड्स एंड द अदर लायंस इन द एरिया। वो सिम्बा क्या करता था, वो खेलता था प्लेन मतलब एकदम सपाट ओपन ग्राउंड होता है उसमें, वो क्या करता था, रनिंग भी करता था, जंपिंग भी करता था, खेलता था, कूदता था उनके फ्रेंड्स के साथ। और उसके साथ कौन कौन रहते थे, लेपर्ड्स भी होते थे और दूसरे लायंस भी रहते थे वो एरिया के, जो भी वहाँ पे रहते होंगे वो। सिम्बा हैड अ वेरी स्पेशल गिफ्ट, और उसके पास एक स्पेशल गिफ्ट था, एक बख्शीश था। जैसे हम बर्थडे में गिफ्ट करते हैं ऐसा ही उसके पास एक गिफ्ट था। एवरी टाइम ही रोड ही क्रिएट सच अ स्ट्रॉन्ग विंड इट सीम्ड लाइक एन हरिकेन। और उसके पास क्या गिफ्ट था, वो जब भी रोर करता था, जैसे कि वो गर्जना धाड़ता था, तो वो एक क्या क्रिएट करता था, एक स्ट्रॉम, यहाँ पे लिखा है हरिकेन लिखा है, मतलब जो गोल गोल हम देखते हैं ना वनटोड़िया जैसा आता है, बहुत स्ट्रॉम आता है, पूरा हवा उड़ा ले जाता है, ऐसा वो क्रिएट कर देता था, इतना खतरनाक वो क्रिएट कर देता था जब धाड़ता था। तो ऑन द सवाना वेयर सिम्बा लिव्ड देयर वर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, जिराफ, एलिफेंट, हैनास हैनास एक्सेट्रा। और जहाँ पे ये जंगल में जो सवाना जंगल है वहाँ पे सिम्बा रहता था, वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के एनिमल्स रहते थे, बहुत जात जात के, जैसे हमने यहाँ पे देखा साउंड वाले, ऐसे बहुत टाइप के वहाँ पे भी रहते थे। उसमें से कौन कौन था, जिराफ था, एलिफेंट्स थे, हैनास थे, ऐसे बहुत सारे थे। एंड इवन दो इट वॉजेंट अ पर्टिक्यूलरली ग्रीन प्लेस देयर वर मैनी स्पेसिस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। इवन दो मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे पर्टिकुलर ग्रीन प्लेस नहीं था। अफ्रीका में तो कैसा होता है, एकदम रण जैसा होता है, रण जैसा नहीं लेकिन एकदम जो ज़मीन है वो खुली रहती है, तो वहाँ पे ऐसा था। फिर भी वहाँ पे कैसा था, बहुत तरह तरह के ट्रीज थे और प्लांट्स थे। वन डे एज सिम्बा वॉज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स दे सो ऑटोनमस मशीन्स डिस्ट्रॉइंग अ पार्ट ऑफ द प्लेन डिगिंग इनटू द अर्थ। तो एक दिन ऐसे ही सिम्बा सब लोगों के साथ खेल रहा था, तो वो एक मशीन, अनोरमस मतलब एक बड़ा सा मशीन उन्होंने देखा जो क्या कर रहा था, डिस्ट्रॉइंग अ पार्ट ऑफ अ प्लेन बाय डिगिंग इनटू द अर्थ। मतलब वो ऐसा मशीन था जो डिस्ट्रॉय कर रहा था, जो पेड़ थे पौधे थे उनको नष्ट कर रहा था, और जो प्लेन भूमि थी उनको खोद रहा था। द ह्यूमंस आर बिल्डिंग ऑयल वेल्स सेड वन ऑफ द वाइजेस्ट लायंस। उनका सबसे वफादार जो लायन था वो क्या बोलता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो ऑयल के वेल्स, कुएं, जो ऑयल होता है उनका कुआ बना रहे थे, ऐसा वो बोल रहा था। डे बाई डे द मैन बिल्ट मोर एंड मोर ऑयल वेल्स डिस्ट्रॉइंग द नेचर इन द प्रोसेस। और ऐसे ही दिन भर दिन क्या होता जा रहा था, सब जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे, पेड़ पौधों को काट रहे थे और वहाँ पे कुएं बना रहे थे, ऑयल के कुएं बना रहे थे, तो वो सब नेचर को क्या कर रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे। सिम्बा हैड फ्यूअर एंड फ्यूअर फ्रेंड्स टू प्ले विथ। और सिम्बा के पास बहुत ही कम से कम जो खेलने वाले थे फ्रेंड्स दिखाने लगे, मतलब उनके साथ कोई खेलने वाला नहीं था, बहुत ही कम हो गए थे। एंड फ्यूअर प्लेन्स, और जो जगह थी वो खेल रहा था वो भी कम हो गई थी। इन विच एंड फ्यूअर प्लेन्स इन विच ही कुड रन अबाउट। और जो वो जगह पे वो खेल रहा था वो जगह भी अभी उनके पास एक बहुत ही कम जगह रह गई है, अभी अच्छे से वो खेल भी नहीं पा रहा होगा। एंड ही न्यू दैट इट वॉज द मैन दैट वर्क कॉजिंग इट ऑल। और उनको पीछे से पता चलता है कि ये सब जो हो रहा है, जो पेड़ काट रहे हैं, कुएं बन रहे हैं, उनके पीछे कौन है, मनुष्य है। सो ही डिसाइडेड टू आस्क द वाइजेस्ट लायन इन द एरिया फॉर अ सॉल्यूशन। उनको जैसे ही पता चलता है कि उनके सबके पीछे कौन है, मनुष्य है, तो वो क्या करता है, जो उनका सबसे वफादार सिंह है,
वाइजेस्ट है, उनको वो पूछता है कि उनका सॉल्यूशन क्या है। द वाइज लायन सेड, अभी जो लायन है वाइजेस्ट, वो उनको क्या बताता है, द ओनली सॉल्यूशन इज फॉर द मैन टू स्टॉप यूजिंग पेट्रोल। और उनका जो वाइजेस्ट सबसे वफादार सिंह है वो उनको क्या बताता है कि सबसे पहले एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है उनको पेट्रोल यूज करते हुए रोकना, एंड यूज रिन्यूएबल एनर्जी लाइक विंड इंस्टेड, और उनके बदले में जो रिन्यूएबल सोर्स है उनको यूज़ करना। पेट्रोल है वो कभी ख़त्म हो जाता है, उनको क्या करना है, उनको छोड़ देना है, उनको स्टॉप करना है, और वो उनको जो रिन्यूएबल एनर्जी है जो कभी ख़त्म नहीं होती उनके तरफ उनको उनका यूज़ करें, ऐसा उनको करना है। दैट गेव सिम्बा एन आइडिया, और उसके बाद सिम्बा को एक आइडिया मिल जाता है। ही डिसाइडेड टू हेल्प मैन टू यूज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिन्यूएबल एनर्जीज इन द वर्ल्ड, विंड पावर। और उससे लायन को, सिम्बा को एक आइडिया मिल जाता है कि वो क्या कर सकता है, वो क्या सोचता है, वो लोग को मदद करना चाहता है। उनका जो पावरफुल एनर्जी थी उसमें, जो भी वो रोर करता था बहुत सारा स्टॉर्म क्रिएट हो जाता था, तो ऐसे वो उनको मदद करना चाहता था, और जहाँ पे वो विंड पावर है, पवन ऊर्जा है। सो ही वेंट अराउंड ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड रोरिंग विथ ऑल हिज माइट एंड टू क्रिएट अ ग्रेट विंड दैट वुड हेल्प द मैन यूज मोर रिन्यूएबल एनर्जी। और वो क्या करता था, सभी देश में वो जाता था, पूरे वर्ल्ड में घूमता था, और वो क्या करता था, रोर कर देता, गर्जना करता था, तो पूरे देश में हवा बहुत सी आती रहती थी, और जो विंड फार्म होता है, जो विंड होता है वो पवन चक्की जैसे हम पिक्चर में देखते हैं, वो उसमें घूमता था, बहुत ज़्यादा घूमता था, बहुत सारी एनर्जी क्रिएट होती थी, और उससे वो लोग जो भी काम है वो करते थे। इन द एंड सिम्बा सक्सीड इन गेटिंग मैन काइंड टू स्टॉप यूजिंग पेट्रोल एंड द अफ्रीकन सेवाना रिकवर्ड कम्प्लीटली। और उसके बाद क्या करते हैं, वो सभी जगह पे रोर करके पवन चक्कियाँ चला देता है, तो वो अपने काम में लास्ट में, इन द एंड मतलब लास्ट में वो अपने काम में सफलता हो जाता है, अपने काम में सक्सेस हो जाता है, और जो लोग हैं, मैनकाइंड है, वो भी पेट्रोल यूज़ करना बंद कर देते हैं, और वो रिन्यूएबल सोर्स यूज़ करने लग जाते हैं, और फिर से अफ्रीकन जो सवाना है, जंगल है, वो फिर रिकवर हो जाता है, वहाँ पे तेल के कुएं नहीं बनते और वहाँ पे अभी पेड़ पौधे उगते हैं, तो ऐसे लायन सक्सेसफुल होता है। तो ये थी स्टोरी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, उनमें एक्स्ट्रा दिया है हमें सीखने के लिए, लिखा है नाउ लेट्स लर्न मोर अबाउट रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। चलो कुछ ज़्यादा जानते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। हमने रिन्यूएबल किया, लेकिन हमें पता ही नहीं कि रिन्यूएबल क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, तो वो स्टोरी अधूरी हो जाती है, राइट, इनकम्प्लीट हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर वंस विच कैन बी रिन्यूड विच डोंट रन आउट, वी कैन कीप यूजिंग देम फॉर एवर एंड दे विल नेवर रन आउट। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं, जो एक बार हम ख़त्म कर देते हैं उनके बाद हम फिर से उनको रिन्यू कर सकते हैं, वो कभी भी भाग नहीं जाते, रन आउट मतलब वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, हम उनको ऑल टाइम फुल टाइम हम उनको यूज़ कर सकते हैं और वो ऐसे ही रहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर विंड, वाटर पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड सोलर पावर एनर्जी फ्रॉम द सन। सन ऊर्जा है, जो पानी है वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो आता ही रहता है, विंड भी आता ही रहता है, तो उनसे हम वो सोर्स को हम उपयोग करेंगे तो एनवायरनमेंट में ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स आर वंस विच आर लिमिटेड एज वी यूज देम टू जनरेट एनर्जी, दे गेट यूज्ड अप एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द सेकंड टाइम। और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, एक बार हम उपयोग कर लेते हैं वो लिमिटेड है, वो जितना होता है इतना हम यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, उनको हम रिन्यू नहीं कर पाते, एक बार ख़त्म हो गया तो वो ख़त्म हो जाता है।
There are three main non-renewable sources of energy which are running out fast: coal, oil and natural gas. ये सबसे बड़े non-renewable source है. क्या है? कोल, मतलब जो कोल सा होता है वो बहुत सारा खोद निकालते हैं, यूज़ करते हैं, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, अभी आसानी से मिल नहीं रहा है. और ऑयल, ऑयल भी जो कितना होगा पेट्रोल में, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा. एंड देन नेचुरल गैस, गैस भी निकलता है, वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा. अभी उनका ख़त्म होना मालूम पड़ता है कि ये ख़त्म हो रहा है, इसलिए पेट्रोल डीजल के भाव बहुत होते हैं. वो अभी ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे. लेकिन जो विंड है, सन ऊर्जा है, वो हर रोज़ होती है. सन हर रोज़ निकलते, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि वो एक दिन नहीं निकलता, हर रोज़ निकलता है. तो उनसे जो भी हमें काम है वो उनसे करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ख़त्म नहीं होते. बराबर. उसके बाद एक्टिविटी 7 में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो हम देखते हैं. डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स. यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने हैं हमें क्लासमेट से और टीचर्स से. सिंपल से क्वेश्चन है, हु वॉज सिम्बा, वेयर डिड ही लिव. हमने देखा सिम्बा कहाँ पे रहता था. सिम्बा वॉज अ लायन. हु वॉज सिम्बा, तो सिम्बा वॉज लायन. ही लिव्ड इन द अफ्रीकन सवाना. वो अफ्रीका के जंगल में रहता था. उसके बाद सेकेंड, वॉट वॉज सिम्बा स्पेशल गिफ्ट. उनका स्पेशल गिफ्ट क्या था. तो हम आंसर में इस तरह से लिख सकते हैं कि सिम्बा स्पेशल गिफ्ट वॉज, वेन एवर सिम्बा रॉड ही क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग विंड लाइक हरिकेन. ऐसा हम लिख सकते हैं. ओके, देन आगे देखते हैं. थ्री नंबर, व्हाट डिड सिम्बा सी व्हेन ही वाज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स. सिम्बा ने क्या देखा जब वो उनके फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था. तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन सिम्बा वाज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स ही सॉ सम मैन डिगिंग द अर्थ विथ अ बिग मशीन. उसके बाद, हु वर कॉजिंग प्रॉब्लम्स फॉर सिम्बा एंड हिज फ्रेंड्स, व्हाई. तो हम क्या लिखेंगे, Men's were creating problems for Simba and his friends because they destroyed the jungle and the land by digging oil wells. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, What did Simba do to recover the savanna? जो जंगल था उनको रिकवर करने के लिए सिम्बा ने क्या किया. तो सिम्बा ने क्या किया, तो हम शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं कि Simba helped men to use wind energy sources instead of petrol and He could recover the savanna. Okay, तो ये आंसर्स थे. तो बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे. आज तक इतना ही करेंगे. तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना. तो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में. तब तक बाय बाय.